फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा चन्ना। ये भुना हुआ चन्ना है जो मैंने लिया है, ये बाज़ार में भी आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने टोमेटो सॉस थोड़ा 2 चम्मच लिया है, 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा है सरसों तेल, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी कुटी हुई अदरक, ये लाल मिर्च कम या अधिक कर सकते हैं, ये नमक है, ये कड़ी पत्ता मैंने लिया है, 5-6 पत्ता ले लिया है मैंने, और ये 1 हरी मिर्च बीच से कटी हुई, और ये मैंने टमाटर के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। ये बड़ों को पसंद तो आते ही हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे जब खाएं तो मिर्च थोड़ा कम डालें। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, सरसों तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता, थोड़ा जीरा, अब प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने कड़ी पत्ता और जीरा डाला था, मैंने प्याज डाल दिया, अब थोड़ा अदरक, थोड़ी सी लाल मिर्च कम अधिक कर सकते हैं, ये थोड़े नमक, और प्याज चाहिए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज लाल हो जानी चाहिए। अब हम कटे हुए टमाटर डालेंगे, मैंने कटे हुए टमाटर डाल लिए हैं, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें मैं भुने हुए चना डालूंगी। बस 1-2 मिनट के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब लास्ट में मैं टोमेटो सॉस डालूंगी इसमें और इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप एक बार इसे टेस्ट जरूर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। चटपटा चन्ना तैयार हो गया, आप इसे इवनिंग स्नैक्स से ले सकते हैं, ये बच्चों को भी पसंद आते हैं, बस मिर्ची कम डालनी है बच्चों के लिए। ये तो बहुत ही यम्मी था, सच्ची बहुत यम्मी था। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।